मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कलह और गुटबाजी दोनों देखी जा रही है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में अब वन मंत्री उमंग सिंगार ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई है। तो वहीं एक बार फिर से भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया। वन मंत्री उमंग सिंगार का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर प्रहार। 72 साल की उम्र, पीसीसी चीफ बनना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। उमंग सिंघार ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा पत्र। स्वयं को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे दिग्विजय। शिवराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा, कौन है असली सीएम? हिंदुओं को बोल देंगे कभी जासूस, बोल देंगे कि पाकिस्तानी जासूस है, हिंदू आतंकवादी, क्या है, मजाक बना रखा है इन्होंने, पार्टी को नुकसान हो रहा है। आम गुजरात सप्लाई कर रहे हैं, इनकी खुद की उसके अंदर अघोषित रूप से पार्टनरशिप, शराब का धंधा करवा रहे हैं, रेप का धंधा करवा रहे हैं, तो खुलेआम पैसा लूटने में लगे। ये मध्यप्रदेश सरकार को लूट रही है, सरकार आम जनता की, ये सरकार आम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार मिली। वन मंत्री उमंग सिंघार के तीखे बयानबाजी के बाद सियासत गरमा रही है। वहीं उमंग सिंघार ने बयान दिया कि सियासी अभी और गरमाएगी। गौरतलब है कि सिंघार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और आरोप लगाया कि सरकार को स्थिर कर स्वयं को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं दिग्विजय सिंह। वहीं एक दिन पहले ही सिंघार ने कहा था कि दिग्विजय पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस खुद ब खुद विपक्ष को मौका दे रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनिया बताए सीएम कमलनाथ है, लेकिन सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इससे तो प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। सोनिया स्पष्ट करे कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। कांग्रेस में बढ़ रहे कलह पर कांग्रेस नेता भी ट्वीट कर अपने विचार जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। हो गई है, अभी तो बैन वाली चल रही है मंत्रियों के बीच में, कोई किसी पर अभी आया हूँ, मैं तो अभी आया हूँ। दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? आपके नाम का? अरे वो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बोलना चाहिए तो उनकी पार्टी में ये हो क्या रहा है। क्या प्रदेश में सरकार इसलिए बनाई थी कि सत्ता की बंदरबांट हो और फिर हिस्सेदारी के लिए लड़ाई और झगड़े हो? कोई ब्लैकमेलर बन रहा है तो कोई रेत लूट रहा है, कोई तबादलों में लूट रहा है, पता नहीं कितने पावर सेंटर बने हुए हैं। अब कांग्रेस में जो होना हो, लेकिन मेरे प्रदेश को बर्बाद तो मत करो। सिंघार ने जो बात कही है, बात बहुत कम है और मुझे भी ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले दिन से कह रहे उस राज्य को चला कौन रहा है? कोई कह रहा 2.5 मुख्यमंत्री, कोई कह रहा 3 मुख्यमंत्री, कोई कह रहा 3.5 मुख्यमंत्री, कितने लोग हैं सरकार इस समय? पूरे प्रदेश के अंदर घोर प्रशासनिक अव्यवस्था कर रही है। कलेक्टर SP हाथ पर हाथ रखे रहे, कलेक्टरों ने अपनी कलमें बंद कर ली, पेन उन्होंने जेब के अंदर डाल ली है कि अब हमें कुछ लिखना नहीं, पता नहीं कौन आता कौन जाता, किसका आदेश माना किसका नहीं माना, वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है, वास्तविक अधिकारी कौन है, किसके कहने से मैं हटूंगा, किसके कहने से आऊँगा, ट्रांसफर किसके कहने से हो रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है।